एक्चुअली मैंने बहुत परेशान से गुजर रहा था। मुझे कॉन्फिडेंस कोई भी चीज़ में नहीं था। अभी मेरा ऐसे 30 इस टाइम में बालनेस होगा तो फिर बॉडी दिक्कत वाली बात हो जाएगा। मैंने तो बहुत परेशान से गुजर रहा था। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ में मेरे एक सब्सक्राइबर और अभनिकांत भी नाम है इनका, और निकनेम पिंटू है। तो पिंटू भाई का आज हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। इनका ट्रांसप्लांट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हो। आप डेंसिटी देख सकते हैं, कितनी अच्छी डेंसिटी इनको दी गई है यहाँ पे। और हेयरलाइन देखो पूरी नेचुरल बनाई गई है जिगजैग पैटर्न में। और जिगजैग कैसी होती है, जिगजैग ऐसी होती है मतलब कुछ हेयर आगे कुछ हेयर पीछे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हमको अच्छा और नेचुरल लुक चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट का, तो इस तरह की हेयरलाइन होना चाहिए जिससे कि हमारी हेयरलाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इनको जो है फ्रंटल हेयर लॉस था और बालनेस ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था। हम इन्हीं से पूछ रहे थे कि बालनेस से किस तरह से परेशान हो चुके थे। एक्चुअली मैंने बहुत परेशान से गुजर रहा था। मुझे कॉन्फिडेंस कोई भी चीज़ में नहीं था, किसी भी चीज़ में मतलब जहाँ भी जाए थोड़ा लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, सभी को ये प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मैं भी बाहर था। अभी मेरा ऐसे 30 मतलब इस टाइम में बालनेस होगा तो फिर बॉडी दिक्कत वाली बात हो जाएगा। मैंने तो बहुत परेशान से गुजर रहा था। ओके बट अब तो आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, क्योंकि अब एक अच्छा रिजल्ट ही आना है क्योंकि ट्रांसप्लांट तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए मेरे सब्सक्राइबर को, जो वीडियो देख रहे व्यूअर को भी बताना चाहेंगे। आप जब क्लिनिक में आए थे, है ना, तो क्लिनिक में आके आधे से आपको थोड़ा बहुत हेजिटेशन, नर्वसनेस, डर वगैरह लग रहा था ट्रांसप्लांट को लेकर? पहले डर लग रहा था। क्लिनिक का एंटर करने के बाद मुझे डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गए, है ना? जी। तो जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ, उससे लगभग कितने समय बाद आपका डर टोटली खत्म हो गया? वो लगभग 15-20 मिनट। 15-20 मिनट, है ना, 15 से 20 मिनट। हाँ, इतने समय में सभी का जो है, क्योंकि जब भी हम कुछ भी कराने जाते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट आप सुनते हो तो आपको थोड़ा बहुत डर लगता है, आपको लगता है ऐसा। फिर आप जब सर से बात करते हो, आपकी हेयरलाइन वगैरह बनती है, उसके बाद जब ओटी में जाते हैं, उसके बाद में 10 से 15 मिनट में आपका टोटली जो है डर हुआ, नर्वसनेस हुआ, सब कुछ खत्म हो जाता है ना, आपको पता चल जाता है कितनी लाइट सर्जरी है। अच्छा, पेन को लेके मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पेन कितना हुआ सर्जरी में? बहुत नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल पेन था, बहुत ही कम था या बहुत कम था? जब आपके ग्राफ निकाले, बाल निकाले पीछे, कुछ से भी नहीं, कुछ भी। और जब आगे की ओर लगाए गए, ऐसे तो कुछ नहीं। अभी तक तो मुझे अभी तक भी नहीं लग रहा, कोई पेन नहीं है। तो अभी तक जब इन्होंने अपना इनका हेयर ट्रांसप्लांट चालू हुआ, जब से लगा के अभी तक इनका ट्रांसप्लांट खत्म हुए को आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। तो आधे घंटे बाद तक आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई पेन नहीं है। तो अब ये पेन धीरे धीरे और कम होगा, अब बढ़ेगा नहीं, है ना। अगर इनको एक माइनर सा भी होगा तो कम होगा, आप खुद देख सकते हैं। आप थोड़ा सा कैमरे की तरफ देख के बताइए, किसी तरह का कोई पेन नहीं? नहीं, कुछ भी पेन नहीं है मेरे को। ऐसा है ना, ये क्योंकि आप इनके फेस से समझ सकते हैं, फेस देखिए, है ना। अगर किसी के पेन रहता है तो फेस का एक्सप्रेशन अलग रहता है सभी के। और क्लिनिक को लेके क्या कहना चाहोगे आप? क्लिनिक तो बहुत अच्छे है, पहले सुना था लेकिन मैंने जब यहाँ पे आया अभी मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। अच्छा, और स्टाफ कैसा है क्लिनिक का? बहुत अच्छा, डॉक्टर अंकित जैन सर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उसका, बहुत अच्छे से। और आपके थ्रू में तो मैं आई यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आपका वीडियो देख देख के इंस्पायर हो चुका हूँ। तो ये मेरे वीडियो कब से देख रहे हैं आप मेरे वीडियो? लगभग 2 साल हो गया। दो साल हो गए ना। अच्छा, वीडियो में ही आपको मेरे नंबर भी मिले होंगे? हाँ जी, मैंने तो पहले आपको व्हाट्सअप किया था ना, फोटो 1 ईयर पहले, 1 साल पहले इन्होंने अपने फोटो भी व्हाट्सअप करे थे और बात भी करी थी ना व्हाट्सअप से। ठीक है, तो जब से ही फॉलो कर रहे हैं, 2 साल से फॉलो कर रहे हैं और 1 साल से पहले से लगभग व्हाट्सअप पे हम टच में भी है। और आपको भी मुझसे किसी तरह कोई हेल्प लगती है ना ट्रांसप्लांट रिलेटेड, क्योंकि मैंने भी करा रखा है और जैसा कि इनका भी हुआ है, और आपको इनको कॉस्ट कितनी लगी क्लिनिक वगैरह, और आपको आप भी ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आ सकती है, क्लिनिक वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, तो उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके जो भी हेल्प लगे आप ले सकते हैं, और जो भी हेल्प पॉसिबल होगी मैं ज़रूर करूँगा। और इस तरह का इनका रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि डेंसिटी इनकी इतनी अच्छी दी गई है और बिल्कुल नेचुरल हेयरलाइन बनाई गई है, तो इनका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, एकदम नेचुरल लगेगा और अच्छे वॉल्यूम के साथ में इनका रिजल्ट देखने को हमको मिलेगा, जो कि आने वाले 4 से 6 महीने में मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इनके रिजल्ट के वीडियो भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ से इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया उस क्लिनिक का नंबर भी मैंने दे दिया है। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड।
टेक केयर।